अशोक आप दिल्ली में है जहां हमारे माननीय राष्ट्रपति जी बैठते हैं। 15 से 20 बार आज तक अशोक हॉल भी गया, बच्चे लेकर अवार्ड भी दिलाए हैं। इस वर्दी के कारण मुझे इतने के मौके मिले बच्चे। तो कहने का मतलब ये नहीं समझने की भाई ये अपनी बात लगा रहे हैं, ये वर्दी इतनी अच्छी चीज है। इसी वर्दी के कारण आज आप स्कूल स्टूडेंट दिखाई दे रहे ना, जब भी पूरे बाजार से छुट्टी होती है तो सब लोग कहते ये सब स्कूल जो है मेन स्कूल उनके बच्चे लगता है वर्दी से। ये आपकी पहचान है, ये मेरी भारत स्कूल गार्ड की पहचान है। ठीक है बच्चों, समझाए? Yes, तो अभी हम शुरू करते हैं आज अपना कार्यक्रम। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हाउ टू मेंटेन योर नोटबुक। बच्चों को हमें भी पता नहीं था, लेकिन स्कूलिंग में आकर जब मैंने जब हमारी भाई को टीचिंग होती थी ना बच्चों, जब हम बाहर लेसन देने जाते थे उसमें हमें हर चीज बताई जाती थी, टीचर और बच्चों की कोऑर्डिनेशन कैसे होनी चाहिए, इफेक्टिव स्टार्ट, मोटिवेशन, ऑब्जेक्टिव होता है जिस सब्जेक्ट को आप क्लास में लेकर जाएंगे वही सब्जेक्ट पकड़ेंगे। ऐसे नहीं कि मैं साइंस का टीचर हूं तो मैंने हिस्ट्री भी शुरू कर दी, ज्योग्राफी भी कर दिया, सब कुछ। दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्टिव। फिर आपको इफेक्टिव स्टार्ट कैसे करना है, फिर उसके बाद आई टू आई कॉन्टेक्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, स्किल क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, ये एजुकेशन का पूरा सिस्टम है। समझे बात आपने? तो अभी हम आपको स्टार्ट कराएंगे पहला टॉपिक हाउ टू मेंटेन योर नोटबुक। ये नोटबुक आपने अच्छी बनानी है। ठीक है बच्चों, नोटबुक को हम लॉग बुक बोलते हैं। आपको पता बच्चों, किसी भी फैमिली में कोई दुकानदार रिलेटेड फैमिली वाले बच्चे हैं जिनकी शॉप हो कुछ भी हो, उनके पास इतने बड़ी खाते देखे ना आपने, वो बुक्स बनाते हैं, उसको लॉग बुक बोलते हैं। क्यों? 20 साल का भी पुराना रिकॉर्ड किसी दुकानदार से लेना तो पूछ सकते हैं, है? इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आपकी नोटबुक जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्कूल लाइफ। बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि मैंने इस साल ये स्कूल से टेंथ किया है, कहां से पढ़ा है, उस वक्त स्टाफ कौन था, सब बच्चों को मालूम होना चाहिए। मैं दहेज में एक स्कूल में गया तो गाड़ी आ रहे थे तो बच्चे देखे रास्ते में तो हाथ दिया, खाली था, चाहे 5-7 बच्चे आए मेरी गाड़ी में। मैंने कहा कौन सा स्कूल पढ़ते हो? फलां स्कूल पढ़ते हो। मैंने कहा तुम्हारा प्रिंसिपल कौन है? एक भी बच्चा प्रिंसिपल का नाम नहीं बोल पाया। देखो गवर्नमेंट और इसमें कितना फर्क है हमारे प्राइवेट एजुकेशन में। आपको टिप्स पर पता है सर का नाम क्या है, वाइस प्रिंसिपल सर का नाम क्या है, स्टाफ हमारे कौन है, मैथ के लेक्चर कौन है, टीचर कौन है, हिस्ट्री के कौन है, ज्योग्राफी का, ये बच्चों को टिप्स पर होना चाहिए। क्यों? ये जनरल नॉलेज बढ़ाता आपके चीज। तो मैंने गाड़ी में पूछा बच्चों को प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो 2-3 बच्चे 12th के बच्चे थे नाम चाहते ऐसे बोलने लगे, सर जी हमें तो मालूम नहीं है। एक बच्चा लास्ट में बोला सर जी, उसने भदवाई की मुझसे, भदवाई आती सोरी आपको सामने संतोष ने बिलाई, वो मुझे बोलता सर जी एडी प्रिंसिपल आ मुसलमान है। आप सुनो बच्चे की कॉमन सेंस देखो ना, एडी प्रिंसिपल आ मुसलमान है। मैंने भी बोला ना बता सोरी नौ गुण है प्रिंसिपल होने, सर जी मैं कोई याद नहीं पाता नहीं, कॉमन सेंस देखो। आजकल के बच्चे तुम होशियार हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे प्रिंसिपल सर का, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो चेयरमैन है, स्किपिंग आपके जवान। देखो गवर्नमेंट स्कूल में ये फर्क होता है, जिस बच्चे ने 12th वहां से कर रहा है और उसको प्रिंसिपल का नाम नहीं, वो खाक पड़ेगा जिंदगी में, वो आगे बढ़ सकते हैं? फिर मैंने उसको स्कूल में जाकर बोला उसी नॉमिनेट नहीं किया बच्चे को, अयूब साहब है वहां शेख साहब, बहुत ग्रेट आदमी हो, स्कूल में जा देता हूँ गुंजो हायर सेकेंडरी स्कूल। तो मैंने अयूब साहब को बोला, मैंने कहा अयूब साहब आपके स्कूल के बच्चों को पूछा मैंने प्रिंसिपल को, एक बोलने लगा कि मुझे पता नहीं, एक बोलने लगा मुझे भदराई में, सर जी क्या मुसलमान है? अब देखो कॉमन सेंस देखो, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई कोई भी जात है, हम सारे इंसान है ना। सबसे पहले होती मानवता, मानवता क्या होता है, इंसानियत। अगर हमें इंसानियत ही नहीं तो हम फिर मरे मुके हैं ना आदमी है, फिर हमारी जिंदगी का कोई राज नहीं जीने का। समझ बात आपने? ओके, तो अब आपका पहला टॉपिक है हाउ टू मेंटेन योर नोटबुक।
ये आपका उपटा हो। ये नहीं सोचना, मैंने पहले भी कहा है बेटा, समझे चलो थोड़ी थोड़ी मास्टर जी चुआछो समझो ना। अपने माँ बाप से पूछना चुआछा क्या होता है, जिसको चार आंखें होती है वो वचन। ये नहीं सोचना कि मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ और लास्ट वाला लड़का मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है उसकी एक्शन क्या है। मैं झपटूंगा अगर वहां और वहां से पकड़कर कान से तो नीचे कर दूंगा, ये याद रखना। तुम नहीं सोचना कि टीचर मैं यहाँ लिख रहा तो तुम पीछे हो गए शुरू होगा पहला है। वेरी बैड, इधर ध्यान रखो। तो पहला टॉपिक हाउ टू मेंटेन योर नोटबुक। ये कॉपी आपकी आपकी लिटरेचर है, ये कॉपी आपका फॉरएवर रहनी चाहिए। सपोज जो बच्चे जाए टेंथ में, टीचर ने अच्छा सबक पढ़ाया आपको, इसको इस तरह लिटरेचर में लाओ कि ये कॉपी आपकी सारी जिंदगी काम आने वाली है। सपोज जो बच्ची हमारी दसवीं में, इस वक्त बच्चा है, उसका भाई नाइन्थ में है, वो काम उसकी कॉपी आएगी, आएगी ना। इसको मेंटेन करना है अच्छे तरीके से। आप देख लीजिए देव जी का ये नोटबुक जो होती है, इसका एक फ्रंट साइड होती है, एक बैक साइड होती है। जैसे हम इंग्लिश की साइड से लिखते हैं फ्रंट साइड से, उर्दू की साइड से लिखा जाता है बैक साइड। पता ना उर्दू ऐसे चलता है, अंग्रेजी ऐसे चलती है। ये मान लीजिए आपकी नोटबुक, दिस इज योर नोटबुक। आप देख लीजिए दिस इज फर्स्ट पेज। हमेशा नोटबुक को पेज नंबर दे दो। देखो ऊपर लिखा होता ना, अगर 100 पेज वाली बुक है, 180 वाली है, 250 वाली, जितनी भी नोटबुक पेज वाली है, हमेशा पेजिंग नोटबुक को करना। उस पेजिंग का फायदा सुनो, मैं आपको बताऊं। एक बार की बात है, मैं खुद पढ़ता था जाऊं, हमें साइंस टीचर ने न्यूटन लॉ पढ़ाया, ठीक है बच्चों, टेंथ में आने सब्जेक्ट। अब मैंने भी अच्छा बनाया था, दूसरे दिन टीचर ने चेक करना था। मेरे साथ ही जो मेरे दोस्त था, उसने मेरी कॉपी से पेज ही निकाल दिया। वो सुनो, खुद काम नहीं किया था, उसने वो मेरा पेज निकाल कर तो अपनी कॉपी में जुड़ा दिया। तो सबसे पहले गया साइंस टीचर के पास, कहते वाह वाह कैलाश नंबर वन। तो मैं बेचारा अपनी कॉपी को फोड़ रहा हूँ 10-20 बार, मुझे वो पेज ही नहीं मिले। हमेशा याद रखना, स्कूलों में बच्चों को आदत होती है, कभी किसी के पैसे निकाले, किसी का पेन मिला तो जेब में डाल दिया, किसी की पेंसिल मिली तो बन गया ना। यहाँ तक कि हम कापियां जो हैं वो भी स्पेयर नहीं करते बच्चे, यहाँ नहीं ऐसा। मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, तो आप बड़े अच्छे बच्चे आए, तब हम इतने वो जागृत नहीं थे, हम होशियार नहीं थे। तो जब उन्होंने वो मेरे कापी से पेड़ निकाला, चौथे दिन मेरे दोस्त ने बोला, खास दोस्त होता है, ये शरारत है, ये चोरियां, एक दूसरे के बैग में पता 50 रुपए किसके हैं, 100 रुपए निकालने आसान हो जाते हैं। वो खास दोस्त को पता होता है, आपस में फ्रेंडशिप होती है ना, हम खुद ही करते हैं। फिर इल्जाम लगता है जो बच्चों के पैसे के, बच्चों की ये चीजें गई, कोई कुछ नहीं जाता। इसलिए सिंसियरिटी जो है स्कूल में सबसे पहले, इसीलिए नोटबुक को मेंटेन करना है। इसके राइट हैंड साइड कॉर्नर, राइट हैंड कॉर्नर क्या होता है नोटबुक का, ये वाला राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर आप पेज नंबर दीजिए, आपने पेज नंबर देखिए, ये पहला पेज है ना, इसको लिखो पेज नंबर वन, राइट हैंड साइड कॉर्नर कौन बना, ये दो, ये तीन, इस तरह इसको पेज नंबर दे दो, ठीक है। नोटबुक को क्या करना है, पेज नंबर देना ना, क्लियर हो गया। अब पहला पेज पहला पेज जो है पेज नंबर वन, ये नोटबुक की पूरी साइज होती है, देखिए अभी
स्कोटिंग शुरू हो गई आपके इलाके में, ब्लेस में हो गए, तो पूरा ब्लेस मैंने जिंदगी में देखा नहीं था, तो मुझे 20 दिन का टूर डालना पड़ा। फर्स्ट से लेकर 22 तक मैं ब्लेस में रहा। उसके बाद यहाँ गर्ल स्कूल का था, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा मैंने जम्मू जाना है, आज देखो यहाँ कल परसों प्रोग्राम हो गया। अभी कौन रोज से फोन आया प्रिंसिपल सर का कि मैंने स्कोटिंग करानी है अपने बच्चों को, एक दिन आप निकालो। कहने का मतलब क्या है बच्चों, अच्छी एजुकेशन आपको हम दे रहे हैं स्कोटिंग वाले, और मॉरल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। आजकल जो बच्चे हैं ना, मैं बच्चों को स्पेशली बोलता हूँ, सुनो भाई, तुम अपने माँ बाप की जायदाद हो, ये घर, ये जायदाद, ये चार छत मकान, ये किसी के नहीं है, ये टेम्परेरी हमारे दे रहे हैं। इन चीजों को मानते हो? चोरे बदलते हैं इंसान, किसी का दादा चला जाता है, किसी के माँ बाप की डेथ हो जाती है, किसी के भाई बहन की डेथ होती है, घर वहीं है ना, हमने चोरे बदले। लेकिन जो बच्चों को अच्छा संस्कार, एक फैमिली में जब एक बच्चा होता ना बच्चों, अगर आप अच्छे हैं, आपकी माँ बाप की आयु जो है एक सेंचुरी कंप्लीट होती है। सेंचुरी मीन्स ख्वाहिश होती है हमारी 100 साल जीने की। लेकिन एक बच्चे के कारण छोटी सी भी गलती हो, फैमिली डूब जाती है। आज माँ बाप आप बच्चों के कारण शर्मिंदा हैं। माँ बाप को जिंदगी में कोई नहीं लॉकडाउन करा सकता है, सिर्फ हमारी औलाद जो होती है ये हमें लॉकडाउन कराती है, शर्मिंदा कराती है। छोटी सी भी गलती करोगे ना जिंदगी में, आप उठ नहीं पाओगे। बच्चे हमारे आप फोन हैं, आप मानती इस चीज को, बच्चों को दो दो जिंदगी के पोर्टफोलियो मिलने हैं। आज आप माँ बाप की बेटी हैं, कल किसी दूसरे घर की बहू भी आती हैं, कोई बुरी बात थोड़ी है। मेरी माँ भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बहू बनी। आगे हम हुए, मेरी मिसिज आई, वो किसी घर की बेटी थी, वो भी बहू बन गई। आज मैंने अपनी बेटी की दोनों की शादी कर ली, वो भी किसी की बहू में बनी है। लेकिन जिंदगी में याद रखना, अगर एक बार भी किसी हमारी बच्ची या बच्चे ने अपने कदम डगम गए, रास्ते से भटक गए, जिंदगी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम क्या सोचते हो ये समाज तुम्हें माफ करेगा? एक बात होती है तो उसकी 200 बातें बनाई जाती हैं। हम लोग इतने गंदे होते हैं समाज में कि छोटा सा भी किसी का मौका मिलता है, हम उसको डबल ट्रिपल छिलने का लगा बढ़ाते हैं। इसलिए आपका आज माँ बाप का क्या फर्ज है, पढ़ाना। सीधे स्कूल आते हो, सीधे सीधे त्रिवार के धार पर स्कूल आओ, वापस जाते हो सीधे घर चले जाओ। स्कूल आते हो पूरी डेडिकेशन के साथ, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन दो ऐसे लफ्ज हैं दुनिया में जो पूरा परिवर्तन आपकी जिंदगी का करते हैं, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए मैंने आपको पहले कहा इज कॉज बाय इंडिविजुअल नॉट बाय मास। अब देखो सारे बच्चे चुप है ना, तो इसका मतलब पूरा पिन साइलेंस जॉब पे मेरा हाल। लेकिन एक बोलना शुरू करेगा, दूसरा बोलना शुरू करेगा, तो फिर वो डिसिप्लिन रहा नहीं। जिस घर में डिसिप्लिन है वो घर पनपते हैं, जिस घर में भी डिसिप्लिन नहीं है, याद रखना जरा मेरी बातों को गौर करना, कभी मम्मी पापा की लड़ाई, कभी दादा दादी, उनका मान सम्मान नहीं है। आज हम इतने गंदे लोग हो गए हैं, हमारे बच्चे खास करके, मैं क्यों कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा। दादा दादी को तक दम पहुंचते नहीं है, दादा दादी अगर कोई चीज मांगते हम उनको अवॉइड करते हैं। हम समझते हमारे माँ बाप ही सब कुछ हैं। माँ बाप को मानो, उतना दर्जा दे लो, लेकिन उससे ज्यादा अपना दादा दादी का दर्जा देना जिनके खुशकिस्मत हैं। जिनके नहीं है उन्होंने क्या करना है? इंसान एक बार दुनिया में आया है, दोबारा ये जन्म नहीं मिलता बच्चों। परसों जो एक बेस लगी थी जम्मू में हमारे, कहते थे स्वर्ग और नर्क, दो लफ्ज से सुने हमने, ये स्वर्ग और नर्क हमारे लिए यहाँ है, इसी धरती पर है। आगे जाकर किसी ने देखा स्वर्ग नर्क? कभी नहीं है। ये हम बोलते ना हाँ जी हा हा हा, कोई वहां जाएगा उसको जन्नत फरमाए, जन्नत फरमा हो, कहते नहीं है। वो किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। सिर्फ इंसान का जन्म हमारी दुनिया में सबसे अच्छा जन्म किसका है? मानव जाति का। बैल भी जीते हैं, गाय भी जीती है, पशु भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, उनका तरीका अपना। लेकिन सेंसेबल जीवन जो मिला है वो एक व्यक्ति को मिला। सारे एक ही खोपड़ी वाले ना हम सारे यहाँ, ये हमारा दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री। ह्यूमन बॉडी का प्रेसिडेंट कहाँ है? ये यहां से सोचे बदलती ना, ठीक है। ब्रेन, ब्रेन इतनी खतरनाक चीज है, आप चाहे क्लास में बैठे हो, जिनका ब्रेन यहाँ नहीं होने देख रहे उन बच्चों का ध्यान कहाँ कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए जहां जब आप स्टैंड करते हो वहां रहो, और अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी, अपने समाज में अपना रुतबा ऊंचा करो। अदरवाइज जिंदगी बहुत मुश्किल है बच्चों, बहुत मुश्किल है। पढ़ना भी है,
पढ़ाना भी है, अच्छी लीडरशिप आपने लेनी है। बच्चों को ये शिक्षा क्यों देता हूं मैं, क्योंकि मेरे बच्चों आज तुम छोटे हो, याद करना कल तुम्हें भी जिम्मेदारी आने वाली है। रिस्पॉन्सिबल शोल्डर जो होते हैं सिटीजन, आप बच्चे हैं, किसी के साथ ऊपर वाला ये ना करे। आपको पता कहते हैं नो बॉडी नोज व्हेन द रेनी डे विल कम, किसी को पता इस चीज का, किसको पता मुसीबत का दिन कब आने हैं, नहीं ना। अचानक ही देख रहे आप आज यहां एक्सीडेंट हो गया, फैमिली की फैमिली गई, इसका मतलब जो छोटा बच्चा रहेगा ही द रिस्पॉन्सिबिल ऑफ दैट फैमिली, आइए जिम्मेवारी। इसलिए जिंदगी में ये सोचना कि हमें एक एक दिन जो है अच्छा निकालना है। अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है, यस्टरडे इज हिस्ट्री, यस्टरडे इज यस्टरडे, जिसका होता है वो हिस्ट्री नहीं समझ जाता है, कल था कि गुजर गए इतने दिन हो गए, दैट इज हिस्ट्री, टुमारो टुमारो इज वेरी गुड, पता ना आपको टुमारो आपकी लक है, किस्मत है, मिस्ट्री है, आए ना आए, एंड टुडे इज, टुडे इज योर गिफ्ट, किस बच्ची ने बोला ये, वेरी गुड बेटा, टुडे इज गिफ्ट, गिफ्ट किसने दिया हमें, गॉड ने। इसलिए 24 घंटे हमारी मॉरल वैल्यू एजुकेशन है ये स्कूलिंग में कि 24 घंटे अपने मन में खुदा भगवान जिस भी धर्म से हैं उनको मानते चलो, क्योंकि उनके कारण ही हम, उनको मानकर ही हम इस सृष्टि पर टिके हुए, ठीक है बच्चों। तो ये जिंदगी में आपको चीजें सीखनी है, ओके। आप देखिए पहला पेज नोटबुक का, इसको जो भी हेडिंग होती है हम ऊपर लिखते हैं, ये जो लाल लाइनें लगी होती है ना दो, इसके ऊपर टॉपिक की हेडिंग होती है, हमेशा नोटबुक पर टॉपिक की हेडिंग हम यहाँ लिखते हैं। बच्चे क्या करते हैं नोटबुक को कभी खराब करने या बचाने के लिए यहाँ एक टॉपिक कर दिया, नीचे से दूसरी हेडिंग में हेडिंग नहीं, जब भी आपको कोई टॉपिक मिलता है उसकी हेडिंग ऊपर देनी है बच्चों, ऊपर, ठीक है। और नोटबुक का मिडिल पेज ये होता है, मिडिल साइड क्या होती है ये सेंटर में, इसको बोलते हैं मिडिल साइड का पेज। अब लिखो नोटबुक कैसे मेंटेन करनी है, पेज वाइज दिया ना मैंने आपको, पेज का बता रहा, पकड़ो बेटा देखिए, पेज नंबर वन हाँ लास्ट तक दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सुनते रहो ना, आवाज आ रही है मेरी, तो पेज नंबर वन पर आपने लिखना अपना बायोडाटा, बायोडाटा वो कहां लिखना है, हेडिंग पर, ये जो लाल पेज लाइनें होती है उसके ऊपर पहले पेज पर लिखो बायोडाटा। मैं इसको बड़ा बड़ा लिखूंगा तब दिखेगा आपको। एक्चुअल जब हमें कहा जाता था ना, जब हम किसी भी ट्रेनिंग के लिए जाते थे, ये वर्ड जो होता हमारा, जब हमारी टीचिंग होती थी लेसन प्लानों की, उस वक्त हमें कहा जाता था कि आपको एक अक्षर, एक वर्ड, इट शुड बी एट लीस्ट 3 to 4 inches, 3 to 4 inches। क्यों, अगर मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा तो इसका मतलब बच्चों को ब्लास्ट दिखाई देगा, अगर मैं छोटा लिखूंगा फिर बच्चों को दिखाई देगा। तो पहले हेडिंग क्या आएगी आपकी, बायो बायोडाटा, बायोडाटा क्या होता है, आपका अपना परिचय, आपका अपना, इसके मिडिल में लिखो, लिखो यहां नेम, क्या लिखोगे नेम, अपना नाम लिखो, इसके साथ पैरेंटेज, पैरेंटेज मीन्स पापा का नाम, आजकल मदर का नाम भी लिखते हैं पता आपको, सर्टिफिकेट्स में जब हो गया डॉक्टर ऑफ गुलाम मोहम्मद एंड मदर का नाम साथ आता है, सन ऑफ जीवलाल मदर का नाम साथ आता है, ठीक है। पैरेंटेज क्लास, ठीक है, नेम पैरेंटेज क्लास लिखा जाता है, ठीक है। डीओबी, पहले पेज पर डीओबी बड़ी जरूरी होती है आपकी, डेट ऑफ बर्थ, कभी कभी हमें रजिस्टर ढूंढने पड़ते हैं स्कूलों में, एडमिशन रजिस्टर, वो कितना लंबा काम होता है, हर बच्चे को अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है, 100% अपनी जुबान में याद रखना कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी जरूरी है। उसके बाद
रेजिडेंस लर्नर्स, रेजिडेंशियल एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस क्या होता है? रेजिडेंशियल एड्रेस का क्या मतलब है भाजपा? घर का पता, घर का छावा। तो देखो पहले पेज पर आपने ये लिखना है, इसके फायदे सुनो। अगर नाम नोटबुक पर है, आपकी नोटबुक कोई चुराएगा नहीं। अगर जिसको मेरी तरह मैंने सुना पहले पेज ही फाड़ दे तो फिर वो उसकी किस्मत है। पहले पेज पर जब टीचर नोटबुक के चेक करते हैं, आती ना टीचर के पास टेबल पर, सबसे पहले एवेल्यूशन हम बच्चे की नेम से करते हैं, बच्चे की क्लास से करते हैं, बच्चे की लिखाई से करते हैं। हमें पता चल जाता है ये फलाना बच्चा है, ये क्लास ये है, इसमें सब कुछ आ गया। बायोडाटा में पैरेंटेज क्यों जरूरी है? सपोज एक ही क्लास में दो गीता है, गीता समझती ना, नाम है ना गीता, सीता है, मोहनी है, रजनी है। टेंथ में दो रजनियां हैं, हमने बोला कि रजनी कौन है, टेंथ में तो दोनों खाली हो जाती है, हो जाती ना। फिर पेरेंटेज से हमें पता चलता है एक रजनी के पापा का नाम ये है, दूसरी रजनी के पापा का नाम ये है। फिर तीसरी हमने डी ओ बी क्यों बिठाया, दोनों की डेट ऑफ बर्थ एक नहीं होनी है, ये भी डिफरेंस होनी है, इसमें डिफरेंस होना। ये बच्चों पहला पेज, पहले पेज पर आप ये लिखेंगे। ओके बॉयज, आपको स्काउट कहा जाता है, आपको क्या कहा जाता है? बॉयज को स्काउट कहते हैं और गर्ल्स को क्या कहते हैं? गाइड। स्काउट एंड गाइड आपको पता चल गया पहला पेज। आप इसके नीचे यहां से लिखो नोटबुक के फुल पेज पर, यहां से लिखो प्रवेश, पी आर ए वी एस एच, प्रवेश कैंप, प्रवेश कैंप हेल्ड एट, हेल्ड एट मतलब आपके स्कूल का नाम, हेल्ड एट क्या स्कूल का नाम है ये मालूम है ना? मैं तो कल वही नहीं, वो मुसलमान है, प्रिंसिपल है। स्कूल का नाम टिप्स पर होना चाहिए कि हम किस स्कूल के स्टूडेंट हैं। ओके बेटा, आप ये लिखा, आप यहां से लिखो फ्रॉम, कब से लगा आपका टाइम? आज का डेट है 29/9/9 29/9/22 अब देखो ये नोटबुक आपकी अच्छी बननी चाहिए। इसको आपने 10-15 रुपए की फेयर बुक लेनी बाद में, उस पर ये अच्छे तरीके से लिखना। अब पहला पेज आपकी नोटबुक का जर्नल एजुकेशन के लिए ये जरूरी है। ठीक है बच्चों, पता चल गया पहला पेज। बॉयज स्कॉल्स कोई प्रॉब्लम? ओके बेटा, बच्चे इसको चलो, ये आ गया पहला पेज। एक बात सुना, कल हायर सेकेंडरी स्कूल गार्ड्स ने कहा प्रिंसिपल सर ने कि बच्चों आपने साल में इतना लिखा जितना दो दिन में लिखा। सचमुच में बच्चों ने कहा हमने कभी इतना लिखा नहीं। आज मैं आपको फुल डे 10 बजे से लेकर कल मैंने वहां 4 बजे तक क्लास लिया फुल डे, सिर्फ आधा घंटा हमने रिसीस ले ली थी, आपने लिया था रोटी वगैरह खाई, 4:30-4 बजे तक हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी है। ओके, इसलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे तरीके से लिखो। डालिया पेज नंबर 2 बच्चों, पेज नंबर इस पर आप क्या लिखेंगे? ये जो नोटबुक होती ना, देखो पहले पेज पर इस पर लिखा होता है इंडेक्स, हमेशा इंडेक्स को दूसरे पेज पर बनाना है। पहले पेज पर बायोडाटा, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, को 4-5 पेज आपने इंडेक्स के लिए छोड़ने। वो क्यों? जैसे आपका सेशन शुरू हो गया पढ़ाई का, साइंस की नोटबुक है ना, तो साइंस नोटबुक के लिए आपको 4-5 पेज छोड़ने हैं। कम से कम 40 से लेकर 50 लेसन जो होते हैं आपकी साइंस के भी हैं, कम से कम इंग्लिश का आपको 20 से 25 जो है वो उसमें लेसन आते हैं। 4-5 पेज छोड़ने आपने, फिर उसमें लिखना है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक क्या होगा बच्चों? दूसरा पेज इंडेक्स।
क्या होगा? इन डेप्थ हेडिंग में, ठीक है। अब इसके नीचे टेबल बनाइए, ये टेबल बनाइए, इसमें सीरियल नंबर बॉयज स्कॉट्स लिख रहे हो। बीच में मैंने आकर हर एक की कॉपी चेक करनी, जिसकी कॉपी पर मैंने कुछ नहीं पाया कौन से पकड़ूंगा, ये पौड़ियां देखी ना नीचे सीढ़ियां, सीधा वहां भेज दूंगा। प्लीज राइट डाउन एंड योर नोटबुक, सीरियल नंबर टॉपिक, सीरियल नंबर टॉपिक, टॉपिक के बाद दीजिए डेट, उसके बाद दीजिए पेज नंबर, पेज नंबर के बाद टीचर, टीचर मींस जिसने भी आपको पढ़ाया उनको टीचर ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? जिस भी टीचर ने एक्चुअल को प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है प्रिंसिपल, उसके बाद सीनियर लेक्चरर्स, उसके बाद लेक्चरर्स होते हैं 10+2 में, उसके बाद मास्टर ग्रेड होता है, उसके बाद टीचर्स होते हैं। लेकिन आपकी टीचर एक ही कॉमन लफ्ज है कि जो भी आपको पढ़ाएगा ही टीचर। अब क्या मजा है देखिए, सीरियल नंबर आज मैंने एक जो टॉपिक पढ़ा क्लास में, सपोज आपने हिस्ट्री पढ़ी, उसमें मुगल पीरियड पढ़ा आपने, अशोका पीरियड पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी आपने, पढ़ी ना कोई टॉपिक, वो टॉपिक इसमें दे दो। इसमें जैसे हिस्ट्री में स्पोज मुगल पीरियड आगे नहीं है, या न्यूटन लॉ, या जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे वो इसमें लिखो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इसमें डेट दे दो, कब पढ़ा, ये क्यों जरूरी है। कभी कभी हमारे बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, अगर कोई इंस्पेक्टर पूछने आता है तो वो बोलता बच्चों ये क्या चीज होती है, बच्चे चुप करते हैं। एक स्कूल में ऐसा हुआ था, सारे बच्चे 11वीं 12वीं के 12वीं क्लास की हो, इकट्ठे बोल गए सर ये हमें पढ़ाया नहीं, खुद नहीं ना आता, खुद नहीं आता था आपको पढ़ाया नहीं, तो जो हमारे लेक्चरर पढ़ाने वाले थे बेचारे उनकी टांगे हिलना शुरू हो गई। अभी इंस्पेक्टर आता तो लेक्चरर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों ने क्या सोचा, मुझे नहीं आता तो ये किस पर जुम्मारी मार दूं मैं, टीचर पर। तेज होते बच्चे हैं, तो जो हमारे लेक्चरर पढ़ाने वाले थे, ये उखराल की बात है, उखराल सुना आपने, ओल्ड पाकिस्तान में वहां मेरी ड्यूटी रही, उखराल आया इसके लिए की बात बच्चों, तो डायरेक्टर साहब आए थे, एक दो चीज पूछी तो बच्चों को कंफ्यूजन थी, सीधा बोल दिया बच्चों ने हमें पढ़ाया नहीं, तो जो मेरे साथ लेक्चरर बैठे हुए थे बेचारे हम साथ वहां मुड़ते वो कांपनी शुरू हो गई। देखो बच्चों ने कितनी पॉलिसी की, खुद नहीं आता कहा जा हमें पढ़ाया नहीं, ये लेक्चरर साहब 10 बार बोले कि सर मैंने पढ़ाया, तब से ये परंपरा बनी हमारी कि नोटबुक पर आपका बिल्कुल अकोरेट होनी चाहिए। देखिए मैंने डेट दे दी, सपोज आज का डेट है 29 को है, 9 भी है, 22 है ना, आपने अपने कॉपी पर नोट ये डेट देनी है, और आगे क्या है पेज नंबर, जैसे पेज नंबर 22 या 11 या जो, ठीक है बच्चे। आप टीचर का नाम लिखो यहां, पुराने आगे ब्रैकेट में लिखो लेक्चरर टीचर जो भी मुझे, पता चल गया आपको, ये नोटबुक आपकी सारी जिंदगी आपके काम आने वाली है। अगर कल कोई आपके स्कूल में आता है पूछने, हमारे टीचरों के इसमें सेफ साइड हो जाती है कि मैंने फलाना लेसन फलानी डेट को बच्चों को पढ़ाया और उनकी पेज नंबर नोटबुक के इस पेज पर है, पता चल गया भाई, बॉयज स्कॉट्स पता चल गया। तो ये आ गया आपका दूसरा पेज, मिटा बच्चे इसको, पेज नंबर 3 सर को बोलता हूँ ब्लैक मार्कर करो पीछे, ये पेज नंबर 3 भगवान ने रखा है, मैंने पहले बोल था भाई, अब चलो ब्लैक मार्कर मिला मुझे, एक्चुअली पहले ब्लू वाला था उसकी विजिबिलिटी कम होती है, ब्लैक से मैं लंबा लंबा खूब बड़े बड़े अक्षर लिखूंगा आप लिखते जाना। नाउ पेज नंबर 3, थ्री
इस पर लिखो आप क्या लिखोगे, सकून स्टॉप। आपकी नोटबुक पर हर स्कूल के अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर से लेकर नीचे तक जितना स्टाफ मेंबर हैं, कभी कभी हम बच्चे बड़े क्या करते हैं, इलेवंथ ट्वेल्थ वाले क्या सोचते हैं, हम बड़े हो गए, जो हमें ही पढ़ाते हैं वही टीचर हैं, बाकी को आप नमस्ते भी नहीं करते हैं। ये बड़ी भारी बुरी आदत हो गई हमारे बच्चों में, आपकी मॉरल वैल्यू खत्म हो गई बच्चों की। जब आप थोड़े बड़ी ऊंची क्लास में हो जाते आप कहते वाह हम ट्वेल्थ में हैं, हाँ जी हमें फलाने लेक्चर में पढ़ाया था टीचर ने। टीचर लेक्चरर प्रिंसिपल सबको आपने सम्मान देना अपने स्कूल में, याद रखना। मैंने कहीं यहाँ पे बच्चों को आज देखा, एक बच्चा सुबह सर के पास आया, मेरा वो बच्चा मेरे सामने भी आया, मैं हर चीज को ऑब्जर्व करता स्कूल में जाकर कहीं सर से उसने कोई एप्लीकेशन मार करानी थी और वो बच्चा पता कैसे हाथ रखे थे, ये देखो एप्लीकेशन दे दे ऐसे बैठा सामने तुम्हें बैठने का भी तरीका नहीं, तुम्हें बड़े आदमी के सामने बात कैसे करनी है, प्रॉपरली स्टैंड होना है। गुड मॉर्निंग सर, ये चीज है, तुम्हें किसने कहा कि तुम प्रिंसिपल के टेबल पर आता है, ऐसा सर जी ये था ना वो था, ऐसे होता भाई, कॉमन सेंस खत्म है बच्चों के, सीधे खड़े रहो सर ये चीज है, तुम खड़े नहीं रहे सीधे दो मिनट के लिए, एक स्कूल में ब्रेंस में प्रिंसिपल साहब ने बुलाओ तू इधर आ जा, आया लड़का, हाँ सर जी हो, ओ भाई वो कर, वो लड़का कैसे बात कर रहा है, जेब में हाथ लगा है सर जी क्या बात है। तो मैंने उसके बाद प्रिंसिपल साहब को बोला, मैंने कहा सर आपको इतना भी नहीं एहसास कि बच्चा आपके सामने जेब में हाथ रख कर कभी कोई बात करता है किसी से बड़े से, रिमाइंड आपको मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ बच्चों, गुड मैनर्स और बैड मैनर्स आप बच्चों के पास है, आपका डिसिप्लिन आपका बिहेवियर सबसे जिंदगी में याद रखना, आपका बिहेवियर आपके सामने आया कौन, जिसका बिहेवियर अच्छा है उसकी जिंदगी अच्छी है, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है उसकी जिंदगी अच्छी नहीं। तो प्रॉपरली टीचर के सामने आ रहे हो खड़े रहो, ये थोड़ी है मास्टर जी क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे जा रहे हो, वेरी बैड, प्रॉपर खड़े रहना है, ठीक है। आप देख लीजिए स्कूल स्टाफ कौन सा है, स्कूल स्टाफ सीरियल नंबर वन दे दो इनको, प्रिंसिपल चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी लिखते सर पहले यहां लिखो, उसके बाद स्पोर्ट हम प्रिंसिपल लिखते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पर प्रोटोकॉल भी क्या आता है, सीनियर लेक्चरर्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद लेक्चरर्स, उसके बाद मास्टर्स, उसके बाद टीचर्स, ये प्रोटोकॉल है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वालों का, ठीक है। अब क्या है, जैसे आपने ये लिखा प्रिंसिपल सर का नाम या जो भी है सर, प्रॉपर वे से लिखो, वाइस प्रिंसिपल प्रॉपर वे से, क्या होता है कल अगर आपको कभी कोई जिंदगी में इंटरव्यू में भी पूछे बच्चों किस स्कूल से आपने पढ़ा है, हाँ जी अक्सर उसने स्कूल से पढ़ा है, उस वक्त के प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो वही बात आ गई ब्रेस वाली आ गई ना, आप ऐसे करेंगे कौन थे भला कौन थे, कोई क्या था हिंदू था कोई मुसलमान था, ये जवाब है भाई प्रॉपर वे से आपको नाम मालूम, ओके मिटा दू इसको मैं मिटा बच्चे ये आ गया आपका पेज नंबर थ्री। अब पेज नंबर चार लिखो कोर्स स्टाफ, कोर्स भी आज आपके स्कूल में क्या कैंप चल रहा है, प्रवेश स्कूलिंग का प्रवेश कैंप चल रहा है बच्चों, उसके कोर्स स्टाफ, कोर्स मीन ये प्रवेश कैंप चल रहा है उसका स्टाफ, इसमें आप मेरा नाम लिखेंगे पहले वाले कोर्स में, दोबारा वाले कोर्स में हमारे एरिया में आएंगे आपके पास, ठीक है। तो मेरा नाम मालूम है सबको, ठीक है बच्चो। राजेंद्र कोतवाल, ठीक है बच्चो, ब्रैकेट में लिखो एसटीसी, एसटीसी स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर
भारत स्कोर्स एंड गाइड्स, स्टेट ट्रेनिंग कमीशन भारत स्कोर्स एंड गाइड्स। इसके बाद जो अब आपको मैं सिलेबस लिखाऊंगा वो आगे लिखना है, ठीक है बच्चों? इसके बाद जो सिलेबस है, ओके, यहां तक हो गया? बताओ बच्चे, बताओ। अब थोड़े से मैं देख रहा हूं चेहरे आपके, थोड़े से आगे भाई पता नहीं कितना पढ़ा रहे हैं। आपको गाना हो जाए, गाना सुनेंगे सभी? ओके, बोलो। चल भाई, ऐसे नहीं तो सुनिए, गाने के बोल हैं बैक बेंचर जो पीठे लगाकर बैठे ना दीवार से, मैं देख रहा हूं यहां से, सीट बराबर ले बैठे बैठे में भी बैठने के तरीके हैं, देखिए बड़े बड़े सावधान, हाथ रखो आगे, रखो, आपकी बैक बोन सीधी होनी चाहिए। जिन बच्चों को आज से आदत है ऐसे बैठने की, वो जिंदगी में ऐसे चलेंगे सीधे, ओके। तो गाना जो है तो नीचे से गाए, इस पर आ जाते हैं, सुनो बच्चों, बच्चे पर, ओके। गाने के बोल हैं डंडी पे डंडी, क्या बोले? डंडी क्या होता है? लकड़ी, एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी, और क्या बनता है? गठा, जैसे बोल बनता है इसी तरह है। डंडी पे डंडी, डंडी पे डंडी, डंडी पे डंडी डांडिया, मतलब एक लकड़ी, दो लकड़ियां, तीन लकड़ियां, पांच लकड़ियां, एक बोल। डांडिया क्या होता है? लकड़ी का भाव, ओके, ठीक है। फिर बोल सुनो, मैं कहूंगा एक तरफ मस्जिद बनाओ, एक तरफ मंदिर बनाओ, मंदिर मस्जिद दो है ना, एक तरफ मंदिर बनाओ, एक तरफ मस्जिद बनाओ। फिर मैं कहूंगा मंदिर मस्जिद नाम जुदा, मंदिर मस्जिद नाम जुदा, नाम जुदा क्या है? हिंदू कहते मंदिर, मुसलमान क्या कहते? मस्जिद। तो मंदिर मस्जिद नाम जुदा, पर दोनों का पत्थर एक है। बताओ मुझे, मंदिर में वही पत्थर लगता, मस्जिद में वही पत्थर लगता ना, तो फिर हम दूर कहां से हुए? जब उसी मंदिर में पत्थर वही लग रहा है, उसी मस्जिद में पत्थर वही लग रहा है बच्चों, फिर हम सारे एक नहीं हुए? सारे एक है ना, हाँ। एक तरफ मंदिर बनाओ, एक तरफ मस्जिद बनाओ, मंदिर मस्जिद नाम जुदा, पर दोनों का पत्थर एक है। एक तरफ चाहे बनाओ, एक तरफ काफी बनाओ, चाहे काफी, सुना ना? घर में पूछते कोई मेहमान आता है, अच्छा आप चाय पियेंगे कि काफी पियेंगे? पूछते ना, तो चाहे काफी में क्या कॉमन है? पानी, पानी। चाहे काफी नाम जुदा, पर दोनों का पानी एक है। दूध तो बाद वाली बात है बच्चों, दूध कोई भैंस का डालेगा, कोई गाय का डालेगा, वो डिफरेंस हो गया, पानी का कॉमन है ना। मैं कहूंगा चाहे काफी नाम जुदा, पर दोनों का पानी एक है, इसी तरह ये गाना, ठीक है? ताली में गाएंगे और रिदम से गाएंगे, ठीक है बच्चे, रेडी? हाँ, यस, गेट रेडी। डंडू पे डंडी, डंडू पे डंडी, डंडू डंडी डांडिया, Oh,
सिर बनाओ
तुम बराबर तालमेल से नहीं चल रहे हो। चलते नहीं कभी हर चीज में, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे चलना भाई। ओके ठीक है बच्चों, अब आप लिख लो सिलेबस, भारत स्पोर्ट्स एंड गाइड का स्पोर्ट्स का सिलेबस। प्रवेश या आपका सिलेबस रिक्वायरमेंट्स, प्रवेश रिक्वायरमेंट्स, जैसे हम बोलते हैं ना प्रवेश एट्थ का सिलेबस, इसी तरह हमने प्रवेश में क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको हैं, क्या क्या आपने करना बच्चों ने। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लिखो हिस्ट्री ऑब्लिक फंडामेंटल्स, हिस्ट्री ऑब्लिक फंडामेंटल्स ऑफ भारत स्काउट्स ऑब्लिक गाइड्स। पहला टॉपर, हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए ना। अगर आपको पूछे हिस्ट्री क्या